स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 10 इन साइंस। साइंस में हम लोग ने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट कर दिया था, जिसकी हेडिंग थी मोर अबाउट वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। व्हाट इज वर्क? दिस हैव बीन एक्सप्लेन। वर्क इज अ फोर्स अप्लाइड बाय अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एंड व्हाट types of energy? We have already read law of conservation of energy. This all we have already read in previous videos. Now we are going to start with there are three types of lever, pulley machine. This all have been explained. Now we start with inclined plane. A flat supporting surface tilt at an angle with one end higher end than the other is called an inclined plane. कैसा होता है? A flat supporting surface. Flat supporting surface होता है ये, देखिए, tilt at one angle, एक angle पे जो मिलता है with one high, एक हाई होता है एक लो होता है, अदर इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन। इट इज यूज्ड एज अ टूल, इसको टूल की तरह हम यूज करते हैं, टू रेज और लोअर अ लोड, ऊपर उठाने या नीचे कर रखने के लिए। इंक्लाइन प्लेन प्लेन्स इज कॉल्ड रैम्प्स आर प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल्स। कहाँ का होता है? हॉस्पिटल्स में, टू पुश अप व्हीलचेयर, व्हीलचेयर को पुश करने के लिए। रोड्स इन हाई रीजन्स, रोड्स इन हाई रीजन, हाई रीजन्स पे आर ऑल्सो इंक्लाइंड प्लेन्स। दे मेक अ जेंटल स्लोप, क्या बनाते हैं? जेंटल स्लोप बनाते हैं, विच मेक्स इट ईजियर फॉर व्हीकल्स टू मूव अप, जिसके कारण वो जितने व्हीकल्स होते हैं वो ईजिली मूव हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल। अ व्हील एंड एन एक्सल, एक्सल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज व्हील एंड अ स्मॉल रॉड। द टू आर फिक्स्ड सो दैट दे मूव टुगेदर। ये देखिए, आपने कार में देखा होगा स्टेयरिंग व्हील, बाइसिकल पैडल, डोर नॉब, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सल के। वेन द एक्सल इज टर्न द व्हील ऑल्सो मूव, जब इसका एक्सल घूमता है तो व्हील भी घूम करने लगता है। स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील ये रहा। अ डोर नॉब, दिस इज द डोर नॉब। एंड बाइसिकल पैडल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट, व्हील और एक्सल अरेंजमेंट के एग्जाम्पल्स है। नाउ स्क्रू, इट इज एन इंक्लाइन प्लेन दैट इज रैप्ड अराउंड द सिलेंडर इन अ स्पायरल। ये देखिए, आपने देखा है ना इसके सिलेंडर इन स्पायरल। इट इज यूज टू होल्ड थिंग टूगेदर, दो चीज को जोड़ने के लिए होता है। लाइक टू पीसेस ऑफ वुड, वुड के टू पीसेस जोड़ देंगे। आई स्क्रू होल्ड द पीसेस टूगेदर, क्या करता है? पीसेस को एक साथ कर देता है। मोर फिर्मली देन अ नेल, नेल से ज्यादा। द हेड ऑफ द स्क्रू हैज ग्रूव, जो हेड होता है ये देखिए वो स्क्रू होता है। वेयर द स्क्रू ड्राइवर कैन बी फिक्स्ड, यहाँ पे आप इसको स्क्रू ड्राइवर को इजिली फिक्स कर सकते हैं। विथ एवरी टर्न ऑफ स्क्रू ड्राइवर द स्क्रू मूव्स, हर उसके साथ स्क्रू ड्राइवर के मूवमेंट के साथ इसका भी मूव होता है इन टू द वुड, लकड़ी में डालने के लिए। नाउ वेज, वेज इज अ पीस ऑफ वुड, ये क्या है? पीस ऑफ वुड है, मेटल शेप्ड लाइक ट्राइंगल, देखिए उसमें जो मेटल लगा होता है वो ट्राइंगल शेप का होता है। अ वेज कैन बी मेड बाय पुटिंग टू इंक्लाइन प्लेन्स टूगेदर, टू इंक्लाइन प्लेन्स के मिलने से ये देखिए वेज बन जाता है, ठीक है, टूगेदर। बैक टू बैक, ये देखिए पीछे से जुड़े हुए हैं, बैक टू बैक। इट हैज अ थिक एज एंड थिन एज, उसकी जो एज होती है वो उधर वाली एक साइड की थिक होती है और एक साइड की थिन होती है।
थिन एज इज यूज टू कट स्लाइस और पुश थिंग अपार्ट, इससे क्या करते हैं काट सकते हैं उसको। एन एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज, एक्स जो है वो एग्जाम्पल है किसका, वेज का। नाउ एक्टिविटी फॉर योर, दिस आर द न्यू वर्ड्स, लर्न दिस न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। वॉट वी रेड एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन नेचर, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड केमिकल एनर्जीज आर सम ऑफ देम। मशीन मेक्स आर वर्क ईजियर एंड फास्टर, दैट इज क्लियर। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लिवर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास ऑफ लिवर्स। देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, नेमली लिवर, पुल इनक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल, स्क्रॉ एंड वेज। नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन द बुक, टेक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। Do it in the book only. First of all, do it yourself. Then you can correct it with the help of book. With the help of video, you will correct your answer. First of all, do it your own self. अपने से करने की कोशिश कीजिए. And this is your homework. Fill in the blanks with correct words. Complete it. Energy types. Energy source. And question answer will done in the copy. And your chapter has been finished. Okay, children, complete your work. Good day.